देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं पार्लियामेंट गया था, पार्लियामेंट में FIR दर्ज नहीं किए, बोले कि आप अपने स्थानीय स्तर पर जाओ। अपने स्थानीय स्तर पे मेरा उत्तर प्रदेश पड़ता है घर, उत्तर प्रदेश न जा कर के आज जो जीरो FIR का सिस्टम है ऑल इंडिया से कहीं भी कोई कर सकता है, मैं जीरो FIR करूँगा और कोर्ट जब भी जाऊँगा इनके खिलाफ कार्रवाई में करूँगा। एक कार्रवाई रुकेगी नहीं, क्योंकि एक कार्रवाई चालू हो चुकी है। इतने बड़े ताकतवर हो गए कि दिल्ली पुलिस अब उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं ले रही है। ऐसा है कि जो कंप्लेंट यहाँ पे हम जो FIR देने गए थे, हम उनका कहना है कि जंतर मंतर क्षेत्र नहीं आता है, इस में एक घटना उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश कहा है, अब आप बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, आप उत्तर प्रदेश जाओ। इनको ये नहीं पता कि आज पार्लियामेंट में जीरो FIR की जो व्यवस्था अभी नहीं लागू हुई है, इससे पहले भी थी जीरो FIR के माध्यम से हम इंडिया में कहीं भी FIR कर सकते हैं। अगर इन्होंने नहीं किया है तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से FIR कराएंगे। एक कार्रवाई चालू हो चुकी है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यह जो है मेरे मन को आहत किया है इन्होंने। और मैं 900 आज यहाँ पर 900 दिनों से ज़्यादा भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ, मैं जो समाज के लिए ही लड़ रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ रहा हूँ, पिछड़े वर्ग से वो भी आते हैं, मैं पिछड़े वर्ग की आबादी के सापेक्ष आरक्षण की मांग कर रहा हूँ, उस पर भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। और एक कार्रवाई रुकेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे मन को आहत किया हुआ है, इसलिए एक कार्रवाई आगे जाएगी और ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से करेंगे। एक इसका प्रोसेस लंबा है। क्या कह दिए थे कि जिससे आपको आहत होना पड़ा? उन्होंने यह कहा कि यादव की बुद्धि, हीरों की बुद्धि 12 बजे खुल